हिचकियाँ मोहब्बत की एपिसोड 4। तुम कितनी भी वकूफ हो, मुझे तुम पर कभी कभी बहुत अफसोस होता है। खुदा के लिए कुछ तो बड़ी हो जाओ। कहती कुछ और हो और करती कुछ और हो, मुझे समझ नहीं आ रही। तुमने तो कहा था रामीन का रिश्ता लेना है, अब कह रही हो वो हिबा का रिश्ता मांग रहे हैं, ये क्या है? कुनैन शदीद गुस्से में था, जबकि इतरत सर झुकाए चुपचाप उसकी डांट सुन रही थी। अब बोलती क्यों नहीं, क्या करना है? बल्कि यूं कहना दुरुस्त होगा कि तुमने अब मसीद क्या हमाकत कर दी है। बहुत अक्लमंद समझती हो तुम खुद को। ये रिश्ते ऐसे नहीं होते जैसे तुम समझती हो। मेरी भी बेटी है, मगर तुमने मुझसे पूछना गवारा नहीं किया और हिबा से पूछा तुमने कि वो क्या चाहती है। हुनैन भाई ने मना किया था कि अभी किसी से मत शेयर करना, वो तो वैसे ही मेरे मुँह से निकल गया। उफ बेवकूफ औरत, तुम अब अपने शौहर से भी बातें छुपाओगी? कुनैन ने अपना सर पकड़ लिया। अच्छा सॉरी, आइंदा नहीं होगा। हमेशा की तरह इतरत ने फौरन अपनी गलती मान भी ली और माजरत भी कर ली। तुम्हारी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि तुम बात मान लेती हो। अब की बार कुनैन ने नॉर्मल होते हुए इतरत से पूछा, ये बताओ उसने रिश्ता किसके लिए मांगा है? मैं उसके बड़े बेटे को तो बिल्कुल नहीं दूंगा। हाँ अलबत्ता मूसा ठीक है, बहुत ही सुलझा हुआ बच्चा है और जिम्मेदार भी है, मुझे बहुत पसंद है। उन्हें की फैमिली में दो ही तो इंसान हैं, एक मूसा और दूसरी नरमीन, बाकी तो। मगर मुझे हमैन पसंद है, अब से नहीं शुरू से, और हुनैन ने भी उसी का कहा है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम जानती हो क्या चीज़ है वो? मुझे तो उसकी हरकतें ही अजीब सी लगती हैं, सिवाय बाप की तरह अच्छी शक्ल के उसके अलावा है क्या उसमें? कहीं से नहीं लगता कि बाहर से वकालत की डिग्री लेकर आया है, किसी सर्कस में काम करने वाला जोकर लगता है। अब तुम ज्यादती कर रहे हो। वो बिल्कुल हुनैन भाई जैसा है, इतरत ने मुंह बनाया। हाँ तो तुम्हारे हुनैन भाई कौन से मस्जिद के इमाम लगे हुए हैं, वो तो बजाते खुद एक आला हजरत है। बुढ़ापे में बड़े बड़े शरारती शरीफ हो जाते हैं, मगर उस पर तो दिन ब दिन अरूज आ रहा है। कुनैन के तबसरे पर इतरत मुंह नीचे करके हंसने लगी, जबकि कुनैन उसे कन अखियों से देखता हुआ रूम से बाहर चला गया। हमैन अपने कमरे में काफ़ी देर से सयाल साहब के केस को स्टडी कर रहा था। बिलाखिर उसने अपना मोबाइल उठाया और मैसेज किया, मिस्टर हुनैन, अगर आप अपनी महबूबा के नखरे नहीं उठा रहे तो पिछले लॉन में तशरीफ़ लाएं। एक अदद गर्मा गर्म मसले के साथ कॉफ़ी का कप बिल्कुल मुफ्त मिलेगा, मगर ये ऑफ़र 10 मिनट तक वैलिड है, इसके बाद नहीं। और अपना मोबाइल बेड पर उछाल कर किचन की तरफ चल पड़ा, क्योंकि वो जानता था उसकी कॉफ़ी बनने तक हुनैन लॉन में होगा। जल्दी जल्दी कॉफ़ी के 2 कप बनाकर जैसे ही हमैन लॉन में तेज़ तेज़ कदमों से पहुंचा तो किसी अनदेखी चीज़ से टकरा कर गिरा, जिसकी वजह से उसके हाथ से कॉफ़ी के कप छूट गए। ये क्या तरीका है? तुमने मुझे 10 मिनट का कहा था, जबकि अब 15 मिनट हो गए हैं। मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ जो यहाँ सर्दी में गर्म कंबल से निकल कर बैठा रहूँ? तो क्या हुआ, आपने कौन सा इन 15 मिनट में किला फतह कर लेना था? हमैन ने अपने कपड़े झाड़ते हुए कहा, सजा देना ज़रूरी थी, इसीलिए ये किया ताकि तुम वक्त के पाबंद बनो। मेरी डिक्शनरी में 10 मिनट का मतलब 10 मिनट ही होता है, ना ज़्यादा ना कम। आगे कौन सा आप मुझे इनाम देते हैं जो आज सजा दे रहे हैं? हमैन ने मुँह बनाते हुए हुनैन के सामने पड़ी कुर्सी अपनी तरफ घसीटी। हाँ अब बताओ क्या मसला है? वो बात कुछ यूँ है कि, हमैन ने एक ही सांस में रटे रटाए तोते की तरह सारी बात और अपने खदशात हुनैन के गोशे गुजार कर दिए। अच्छा तो फिर? हुनैन ने सारी बात सुनकर इत्मीनान से पूछा, तो फिर क्या मतलब? अब आप बताएं क्या करूं? तुम ये मुकदमा लड़ो और उसकी सोशल मीडिया पर इतनी पब्लिसिटी करो जितनी कर सकते हो, खूब दलाइल दो और उसे पीक पर पहुंचा दो, मगर फैसले से पहले वो करो जो तुम्हें करना चाहिए। मतलब? हुनैन ने हुनैन से पूछा, फिर 4 गोल मटोल आँखें आपस में 4 हुई और हवा में कह कहे गुंजे, ठीक है मैं समझ गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमैन ने कुर्सी से उठते हुए कहा और जाने को मुड़ा ही था कि कुछ सोच कर पलटा, ये जो आपने अभी 10 मिनट पहले मेरे साथ किया है ना, इसकी सज़ा तो आपको भी मिलेगी, क्योंकि मेरे बाप का कहना है कभी किसी का उधार मत रखो। हुनैन ने अपनी आंखें घुमाकर हमैन को देखा, जी बिल्कुल, मैंने फ्रिज से मूसा का पसंदीदा पास्ता खा लिया है जो आपकी महबूबा ने अपने लाडले साहब साथी के नाश्ते के लिए बनाया था, अब आप जाने और वो शब बखैर। शब बखैर किचन में हुड सर पर पहने दोनों हाथ जैकेट की जेब में डाले हमैन गुनगुनाता हुआ लॉन से बाहर की तरफ चल पड़ा।
हुनैन को पास्ता बनाने की फिक्र लाहक हो गई। दूसरी सूरत में नरमीन का लेक्चर सुनना पड़ेगा, क्योंकि अमूमन पास्ता हुनैन ही खाता था। चल बच्चे हुनैन, पास्ता बना, वरना सुबह सुबह नरमीन का लेक्चर सुनना पड़ेगा। हुनैन को बाद में देखता हूँ। जनाब अपने ऑफिस से निकलने लगी थी जब महर सयाल उसके ऑफिस में दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? महर ने कुर्सी पर बैठते हुए बहुत बेतकल्लुफ़ी से कहा। ठीक हूँ, आप सुनाएं। जनाब ने सलाम का जवाब देते हुए उसे सर से पांव तक सरसरी सा देखा, मगर दिल में उसके ड्रेसिंग की दाद दी। कैमल कलर की पैंट और ब्लैक शर्ट और कैमल कलर की जैकेट में वो बेशक पुरकशिश लग रहा था। क्या सुनेगी? मेरा मतलब है कि आप क्या सुनना चाहती हैं? महर ने अपने जुमले को फौरन दुरुस्त किया। मुबादा जरनाब बुरा ही ना मान जाए, काम की बात करें, मुझे फालतू बातें पसंद हैं। जरनाब ने थोड़ा लहजा सख्त किया। वो मैंने आपसे एक ख़ास बात करनी थी, अगर आपको बुरा ना लगे तो। जी कहिए। नहीं यहाँ नहीं, क्या आप मेरे साथ थोड़ी देर करीबी रेस्टोरेंट में जा सकती हैं? महर की जुर्रत पर जरनाब को हैरत हुई, मगर फिर कुछ सोच कर हामी भर ली। मेरी सारी ज़िंदगी महरूमियों में गुजरी है, नेमतों की कमी रही है, मैंने जो भी चाहा मुझे कभी नहीं मिला, आखिर क्यों? ये वो सवाल था जब भी महनूर इसकी तकरार करती, फिर ना ख़त्म होने वाली बारिश उसकी आंखों से रवा हो जाती। वो बहुत तल्ख हो जाती सबसे, ज़रियाब तो ख़ास तौर पर उसके निशाने पर होता, महीने में एक बार तो ज़रूर उसे दौरा पड़ता था, और जब भी वो अचानक चुप हो जाती तो इसका मतलब एक ही होता था कि उसकी ज़िंदगी में तमाम तर नाकामियों और महरूमियों का ज़िम्मेदार सिर्फ एक शख्स है, और वो कोई और नहीं, उसका अपना शौहर सरदार ज़रियाब अली ख़ान है। अल्लाह जी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मुझे बाप का वैसा प्यार नहीं मिला जैसा बेटियों को मिलता है, जैसा ज़रियाब अपनी बेटी से करता है। मुझे इतरत जैसा प्यार करने वाला भाई क्यों नहीं मिला? मुझे मेरी मोहब्बत नहीं मिली, मगर आपने ज़रियाब को उसकी मोहब्बत दे दी। वो मुझसे ज़्यादा प्यारा है आपका? उसे तो सभी प्यार करते हैं, मगर मुझे? और सबसे बढ़कर आपने सबको बेटे दिए मगर मुझे नहीं, क्यों? आखिर क्यों? इतनी महरूमियाँ, मैं जब भी किसी चीज़ की ख्वाहिश करती हूँ वो मुझसे दूर चली जाती है। बरसती बारिश से तेज़ महनूर की आँखें बरस रही थीं। वो खुदा से शिकवा करने में बहुत आगे निकल गई और उसकी नेमतों और रहमतों को यकसर नज़रअंदाज कर बैठी, हालांकि उस पर सबसे बड़ी नेमत ज़रियाब की शक्ल में मौजूद थी, जो तमाम महरूमियों पर अकेली ही भारी थी। महनूर अंदर चलो, देखो सारी गीली हो गई हो, ये जो आखिरी सर्दियों के दिन होते हैं ना, सेहत के लिए बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। चलो शाबाश। ज़रियाब जो काफ़ी देर से उसके पीछे खड़ा उसके शिकवे सुन रहा था, उसकी बिगड़ती हालत देख कर बोल पड़ा। ज़रियाब तुम जाओ, मैं आती हूँ, मुझे अभी डिस्टर्ब ना करो प्लीज़, मेरा मूड अच्छा नहीं है, ये ना हो कि मैं तुमसे बदतमीजी कर बैठूँ। कौन सा पहली दफ़ा करोगी, मुझे आदत हो गई है, ज़रियाब ने उसके सामने आते हुए कहा। ज़रियाब प्लीज़। पता नहीं महनूर क्या जादू किया है तुमने मुझ पर, मैं चाह कर भी तुम्हारे तलस्सुम से नहीं निकल सकता। मेरे नज़दीक आज भी तुम दुनिया की हसीन तरीन प्यारी सी लड़की हो, मुझे तुमसे अच्छा कोई नहीं लगता, तुम डांटो या प्यार करो। ब्रैकेट, प्यार तो खैर कभी किया नहीं, पर मुझे बुरा नहीं लगता। इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे गुस्सा नहीं आता, पर तुम पर नहीं आता। मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे लाद उठाना, वरना किसकी मजाल, कोई मेरे आके बोल जाए टांगे ना तोड़ दूँ। ज़रियाब ने महनूर को नॉर्मल करने के लिए मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, हुनैन की तो तोड़ी नहीं अभी तक, वो भी लाडला है मेरा, उसके लाद उठाना भी अच्छा लगता है, बल्कि यूँ कहना ज़्यादा दुरुस्त होगा कि वो लाद उठवाना जानता है। मलिक अंकल की मौत के बाद वो काफ़ी बुझ गया था, तब मैंने और दबीर ने फैसला किया था कि उसे कुछ नहीं कहना, उसके गलत खुद ठीक कर लिया करेंगे पर उसे कुछ नहीं कहेंगे, मलिक अंकल की तरह। इस वजह से वो मजीद लाडला बन गया है, रहती कसर नरमीन ने उसके लाड उठाकर निकाल दी, हमारी तो ऐसी किस्मत नहीं। आखिर में ज़रियाब ने फीकी सी मुस्कुराहट से बारिश की तरफ देखते हुए कहा। इसीलिए कहती हूँ किसी ऐसी लड़की से शादी कर लो जो तुम्हारे नखरे उठाए। तुम्हें क्या मसला है, तुम क्यों नहीं उठाती? ज़रियाब ने बारिश में हाथ फैलाते हुए पूछा। महनूर प्लीज़, इतना अच्छा मौसम है, फ़िलहाल मैं फारिग भी, अगले महीने से बहुत मसरूफ़ हो जाऊँगा, इलेक्शन कम्पेन चलानी है, इसीलिए अगर कुछ वक्त हमें मिल गया है तो फजूल बहस में क्यों गुजारें? तुम मेरा दिल तोड़ देती हो, बहुत तकलीफ होती है मुझे, इतनी अल्लाह वाली हो, एक बात तो बताओ। पूछो। वैसे मैं अल्लाह वाली नहीं, मेरे लिए हो, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने से बेहतर पाया है। जब दिल टूट जाए तो क्या करना चाहिए? जब दिल टूट जाए
तो उठाकर उसी मुसव्विर के पास ले जाओ जिसने उसे बनाया है, क्योंकि उससे बेहतर तो कोई जान ही नहीं सकता कि कौन सा रंग कहाँ भरना है और किस धागे से कहाँ पे बंद लगाना है। ज़िंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। मुझे मालूम था तुम यकीनन ऐसा ही कुछ कहोगी, इस पर ख़ुद भी अमल करो, यकीन मानो हम बहुत खुश रहेंगे। ज़रियाब कहता हुआ रूम की तरफ बढ़ गया और महनूर को उसी के लफ्ज़ों से उसके तमाम शिकवों के जवाब मिल गए। हुज़ैफ़ा यक बस्ता सर्दी में जमी हुई बर्फ़ को देख रहा था। मासूमा की बच्ची, नहीं छोड़ूंगा, तुझे मालूम है किसको डिस्टर्ब किया है? अब जो मैं डिस्टर्ब करूंगा ना, तेरी सात पुश्तें भी याद रखेंगी, शुक्र कर मैं यहाँ हूँ वरना। सर क्या सोच रहे हैं? बट मैन ने चाय का कप पेश करते हुए पूछा। सजा देने का सोच रहा हूँ किसी को, फिर ऐसा करें उसे अपने पास रख लें। आपके साथ रहना भी किसी सजा से कम नहीं, बट मैन कहता हुआ चल दिया, जबकि हुज़ैफ़ा के चेहरे पर कोसे कज़ा के रंग बिखर गए। ये जो इश्क होता है ना, ये छुपता नहीं है, ख़ास तौर पर पहली दफ़ा का। असद भी अपना कप लेकर हुज़ैफ़ा के पास बैठ गया। तो बहुत बकवास करने लगा है, ज़ाहिरी सी बात है जब तू नहीं करेगा तो मैं करूँगा, एक ने तो करनी होती है ना। क्या बकवास, पर दोनों हंसने लगे। इतने में हुज़ैफ़ा का मोबाइल बोल पड़ा। चल तो बात कर, मैं आता हूँ। जी जनाब, हुक्म। वैसे तेरे अंदर अच्छे दोस्त वाली एक भी खूबी नहीं पाई जाती, मगर बेहतरीन खावंद की तमाम खूबियाँ बमा बोनस मौजूद हैं। हमैन की आवाज़ ने हुज़ैफ़ा को खुश कर दिया। तुझे ही याद कर रहा था। खा कसम के मुझे ही याद कर रहा था, हमैन के सवाल पर हुज़ैफ़ा ने कहकहा लगाया। बच्चू चिल्ला किया, वो भी वकील के साथ। तू और मुझे याद कर रहा था, अच्छा अब बस भी कर। यही मैं कहने वाला था कि अब तू भी बस कर। मैंने तमाम डाटा हासिल कर लिया है तेरा काम मुकम्मल, मगर मेरी दुआ है कि तेरा प्यार झूठा निकले। क्यों? प्यार झूठा निकले तो सिर्फ खुद को संभालना पड़ता है, और अगर सच्चा निकले तो बच्चों को। मेरी मान खुद को ही संभाल ले, मशवरा है या? हुज़ैफ़ा ने बात अधूरी छोड़ी। ख्वाहिश यार, मेरी दिली ख्वाहिश है कि तू शहीद हो, मगर वतन पर बेमौत मरने का क्या फ़ायदा? वो तो वकील साहब जब फरिश्ता आएगा तो लेकर ही जाएगा, हुज़ैफ़ा ने सर ताब भरते हुए जज्बात से कहा। तुम जो कहते हो तो मान लेते हैं कि सिर्फ फरिश्ते ही जान लेते हैं। तेरे से दलाइल में कोई जीता है जो मैं आज जीतूँगा? मतलब तू खुद को संभाल लेगा, वरना दूसरी सूरत में बच्चों के डायपर हर इतवार हॉली प्लेस पर हाजिरी। रुक रुक, बाकी तो ठीक है, मगर ये हॉली प्लेस क्या है? हुज़ैफ़ा ने हैरत से पूछा। ये जो ससुराल होता है ना, मतलब बच्चों का ननिहाल, वो आपका हॉली प्लेस होता है, जहाँ हर इतवार हाजिरी ज़रूरी, बस सूरत दीगर बेगम का मूड ऑफ और आप जैसे ये अफोर्ड नहीं कर सकते। हमैन ने कहकहा लगाया। तेरा हॉली प्लेस कहाँ है? मेरा क्या है, जहाँ भी चला जाऊँ वही मेरा हॉली प्लेस। जनाब चार की इजाज़त है, 400 की नहीं। अब की बार दोनों ने कहकहे लगाए। चल फिर सुन, अगर तू कुएं में छलांग लगाना ही चाहता है तो मैं तुझे धक्का ही दे सकता हूँ। मेहरबानी है जनाब की, हुज़ैफ़ा ने जवाब दिया और गौर से हमैन की बातें सुनने लगा। मूसा, खबर कोई अच्छी नहीं है, मगर क्या, बोलो ना। मूसा ने लैपटॉप पर तेज़ी से उंगलियां चलाते हुए जनाब से पूछा। वो प्रेग्नेंट है। क्या? मूसा करंट खाकर अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है, वो बहुत छोटी है। मर्द शादी करने के लिए लड़की की उम्र देखता है, जिना के लिए नहीं। जनाब मगर मुझे पहले ही अब्रिश की बातों से शक हो गया था, इसीलिए मैंने मेडिकल कराया था। तो फिर अब? वही जो हमने सोचा था, सबसे पहले अब्रिश को नॉर्मल करना है, उसके लिए मुझे रामीन की मदद लेनी होगी, क्योंकि वो उसे नफसियाती दबाव से निकालेगी, अभी मैंने उसे नहीं बताया। और फिर हम केस करेंगे, बाकी खुदा की मर्जी, मेरा भी हिसाब निकलता है कुछ लोगों की तरफ। जनाब ने सोचते हुए जवाब दिया। देख लो, जो भी तुम करोगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मगर एहतियात से। मूसा को जनाब की फिक्र हुई। वैसे अगर तुम ये केस हमैन के हवाले करो तो? जनाब की बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि मूसा बोल पड़ा, कैसी बातें करती हो, भाई मेरे बारे में क्या सोचेंगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा परेशान मत हो, मैं देख लूँगी। मूसा को परेशान होता देखकर जनाब ने तसल्ली दी। ठीक है, आप मेरी फ़ीस अदा कर दें, मैं ये केस लेने को तैयार हूँ। हमैन ने जैसे ही ये कहा
बड़े सयाल साहब खुशी से फूले न समाए। असल में यह बिल्कुल बेगुनाह है, मगर हुआ कुछ यूँ था कि बहुत मासरत, मगर जब मैं किसी से फीस ले लेता हूँ तो मुझे इससे कोई गर्ज नहीं रहती कि वह गुनाहगार है या बेकसूर। मेरा काम होता है अपने क्लाइंट को डिफेंड करना और हर हालत में उसे जिताना। आप पूरी तफसील मुझे बता दें और फिर बेफिक्र हो जाए, मैं जानूँ और कोर्ट। हाँ, मैन मजबूत लहजे में जवाब दिया, जिस पर बड़े सयाल ने मेहर की तरफ फातिहाना अंदाज में देखा। मैं वफादार लोगों की बहुत कदर करता हूँ, अगर आप ये केस जीत गए तो मैं आपको मालामाल कर दूँगा। आप मेरी फ़ीस अदा कर दें, यही काफ़ी है, क्योंकि आप बादशाह हैं और ना मैं आपका दरबारी। हालांकि मेरे बंदे बहुत वफादार हैं, फिर भी मुझे सिर्फ कुत्ता ही वफादार लगता है, बड़े सयाल ने अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए जवाब दिया। हमैन ने कुर्सी से उठते हुए मुसाफिहा के लिए सयाल साहब की तरफ हाथ बढ़ाया, मतलब साफ जाहिर था कि अब आप तशरीफ़ ले जा सकते हैं। जैसे ही सयाल साहब हाथ मिलाने के बाद पलटे, वैसे ही कुर्सी पर अपने मखसूस स्टाइल में टांग पर टांग रखकर बैठे हुए हमैन ने मुखातिब किया, ज़रूरी नहीं आपका कुत्ता वफादार निकले, बाज़ औक़ात आपका वफादार भी कुत्ता निकल सकता है। ये ऐसा जुमला था कि जितनी देर में उन दोनों को समझ आया, हमैन दूसरे क्लाइंट के साथ बिजी हो गया। अबरिश बहुत खामोशी से अपनी रिपोर्ट्स देख रही थी, मगर जनाब की तवक्को के बरअक्स ना वो रो रही थी और ना ही किसी किस्म का मवेला कर रही थी। तुम ठीक तो हो? मेरा मतलब है कि देखो, परेशान मत हो, हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। आपको लगता है सब ठीक हो जाएगा? अबरिश के सवाल पर जनाब ने अपनी नज़रों का जाविया बदल लिया। हम केस करेंगे और तुम्हें इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह, इससे क्या होगा? अबरिश ने सपाट लहजे में पूछा। अबरिश, इस दुनिया में बहुत बुरे लोग हैं, बहुत बुराई है, मगर बाज़ दफ़ा हम ऐसे लोगों से मिलते हैं कि अपना दुख बहुत कम लगता है। सब्र से काम लो और दुआ करो। मैंने अपने बाप के मरने के बाद बहुत दुआएं की अपने लिए, अपनी रिहाई के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, मगर दुआ शिद्दत के साथ, यकीन के साथ, ज़िद के साथ मांगो। लेकिन याद रखो कि बाज़ दुआएँ बहर सूरत कबूल नहीं होती, और जिस शख्स ने जितनी शिद्दत से मांगा हो उसे उसी शिद्दत से मायूसी का सामना करना पड़ता है। बड़े बड़े यकीन वालों के साथ दुआ के लिए बड़े बड़े यकीन वालों के हाथ दुआ के लिए उठना बंद हो जाते हैं। यही इम्तिहान है यकीन वालों का। खुदा से मोहब्बत की बुनियाद शिद्दत नहीं, तसलसल है। थका देने वाला रूटीन जैसा तसलसल ही असल इम्तिहान है। इबादात, मनाजात सब तसलसल हैं। इसलिए दुआ मांगना कभी मत छोड़ना, ये मोमिन का हथियार है। जहाँ सब तदबीरें और दलाइल ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ से दुआएँ शुरू होती हैं। يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين। ترجمہ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ زناب نے کہہ کر ابرش کو اپنے ساتھ لگایا۔ موسیٰ، تم مجھے کتنے دنوں سے کچھ پریشان لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ موسیٰ جو واقعی ہی ابرش کی وجہ سے پریشان تھا، نرمین کی بات پر چونک پڑا۔ ماما، आप तो सचमुच वली हैं, दिल का हाल कैसे मालूम कर लेती हैं؟ इससे पहले कि नरमीन जवाब देती, हुनैन टेरेस में दाखिल हुआ। क्या खाक दिल का हाल जानती है؟ मेरा तो आज तक मालूम नहीं कर सकी۔ खामा का अपनी माँ को चढ़ा रहे हो، ज़रा पूछो तो इस वक्त मेरे दिल में क्या बात है؟ तुम्हारे दिल का तुम्हें ही मालूम होगा، मुझे इस दिल से दूर रखो، दिल कम और अलजबरा ज़्यादा है، ज़रा समझ नहीं आता۔ नरमीन ने मुँह बनाते हुए वहाँ से जाने में ही आफियत समझी۔ अरे वाह، ये तो चीटिंग है، बेटे के दिल का हाल मालूम और मासूम हुनैन को साफ जवाब۔ हमैन जो बातों की आवाज़ सुनकर उधर आया था، हुनैन के हक में बोल पड़ा، तुम दोनों बाप बेटा मेरी समझ से ऊपर की चीज़ हो۔ क्यों؟ हम B-52 तैयारे हैं، हुनैन के कहने पर सब हंसने लगे، जबकि नरमीन हुनैन को घूरने लगी۔ नज़र लगानी है، एक तो खूबसूरत मर्द से कोई शादी ना करे، सारी ज़िंदगी टेंशन में गुजरती है، ये तो बहुत ज़्यादती है۔ एक तो आपने इतने ज़बरदस्त इंसान के साथ शादी के साथ ज़िंदगी गुजारी और अब ऐसे बोल रही हैं۔ हमैन ने हुनैन के साथ वाली कुर्सी पर टांग रखते हुए कहा، ये कैसे बैठ रहे हो؟ माँ बाप का कुछ एहतराम होता है، सीधा होकर बैठो۔ नरमीन के डांटने पर हमैन ने अपनी टांगें सीधी की۔ पता नहीं मॉम को वहीद मुराद जैसे हीरो क्यों पसंद है، चुप कर इस वक्त बहुत गुस्से में है، वो अपने लाडले के साथ बिजी थी، हमने आकर अपनी टांग अड़ा दी۔ हुनैन और हमैन आपस में सरगोशी कर रहे थे، जबकि मूसा सोच रहा था हमैन से बात करे या ना، इंसान में बैठने का शऊर होना चाहिए۔
नरमीन ने अपने तौर पर हुनैन को समझाया, मगर हुनैन को शरारत करने के लिए एक लफज मिल गया। अच्छा, ज़रा ये तो बताओ नरमीन मलिक साहिबा कि शऊर और शोर में क्या फ़र्क होता है? हुनैन के सवाल पर नरमीन ने खामोश बैठे मूसा की तरफ देख कर कहा, जहाँ सब शोर कर रहे हों वहाँ एक इंसान भी खामोश नज़र आ जाए उसको शऊर कहेंगे, फ़र्क ये होगा। जी नहीं, शोर में और शऊर में फ़र्क सिर्फ ऐन का होता है। हुनैन ने अपनी गोल मटोल आँखों पर अपना चश्मा दुरुस्त करते हुए कहा, जबकि हुनैन ने ताली बजाकर दाद दी। उफ़, तुमसे तो बहस ही फजूल है, नरमीन कहती हुई उठ खड़ी हुई। ये दिल आपका हुआ मिस्टर हुनैन, हुनैन ने बा आवाज़ें बुलंद कहा, जिस पर नरमीन ने आहिस्ता से खुद कलामी की। सारी ज़िंदगी जब मैं छोटी थी तब अल्लाह से बातें करती थी, फिर जब मैं बड़ी हुई तो अल्लाह को छोड़कर ज़मीन वालों से बातें करने लग गई, फिर मैं ज़मीन वालों से बातों में इतना गुम हो गई कि अल्लाह को भूल ही गई, फिर ऐसा हुआ कि ज़मीन वालों ने मुझे सुनना छोड़ दिया। अब मैं आसमान पर अव्वल तो अल्लाह से नज़रें ही नहीं मिला पाती, और अगर कभी हिम्मत कर भी लूँ तो मुझसे बोला ही नहीं जाता। फिर सोचती हूँ वो तो आंसुओं की ज़बान भी सुनता है, वो तो अल्लाह है, नाराज़ हो तब भी सुनता है, अच्छे हो तब भी सुनता है, बुरे हो जाए तब भी सुनता है, ज़मीन वाले तो सब फरेब है, सच्चा समी तो अल्लाह है। जैसे ही अबरिश ने अपनी बात के आखिर में रामीन को देखा तो उसने फीकी सी मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली और सरनाब को रूम से बाहर आने का इशारा किया। क्या है बदतमीज़ लड़की, कितना बुरा लगता है इस तरह कमरे से बाहर आना, पता नहीं अबरिश क्या सोच रही होगी। पहले आप मुझे ये बताएं कि आपने मेरे साथ चीटिंग क्यों की है। चीटिंग और मैंने? रामीन के इल्ज़ाम पर जरनाब की पूरी आंखें बाहर आ गईं। जी बिल्कुल, आपने कहा था छोटी सी लड़की है, मासूम सी भोली भाली, मगर ये तो बहुत तेज़ है, कैसी पढ़ी लिखी और मुश्किल बातें कर रही है, अब मैं क्या जवाब दूँ। हद है रामीन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। भाई तुमने उसे रिलैक्स करना है। मगर कैसे, मुझे तो अल्लाह वाली बातें नहीं आती, रामीन ने मुँह बनाया। ये जो तुम हर वक्त बकवास करती रहती हो इसका इस्तेमाल करो ना। जरनाब आप मुझे हल्का ले रही हैं। नहीं मेरी जान, मेरा मतलब है वो जो आप हर वक्त हमारा दिमाग रोशन ब्रैकेट खाती रहती हैं, वो अब इस लड़की का भी खाओ, अपनी प्यारी बातों से रोशन कर दो। जरनाब ये जो आप मेरी इज्जत कर रही हैं, पता आपको महंगा पड़ सकता है, सोच लें। नहीं यार, जनाब ने प्यार से रामीन को देखा, तुम्हारे लिए तो मेरे दिल से दुआएं निकलती हैं, तुम्हारी बात ही क्या है, तुम औरों से बहुत मुख्तलिफ हो। असल में तुम कहना चाह रही हो कि तुम्हारी बात ज़रा मुख्तलिफ है औरों से, तुम्हारे लिए दिल से गालियां निकलती हैं। बस ऐसी ही बातें करनी हैं, रामीन के कहने पर जनाब ने हंसते हुए उसके कान में कहा और दोनों दोबारा कमरे की तरफ बढ़ गईं। अच्छा तो अब क्या होगा, पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है, मूसा ने कॉफ़ी का ऑर्डर देते हुए मुर्तज़ा से पूछा। क्यों परेशान रहता है हर वक्त, कभी तो रिलैक्स किया कर यार, तुझे मजाक सोच रहा है और मेरी जान निकल रही है, अगर भाई या मामा को पता चला तो न जाने मेरे बारे में वो क्या सोचेंगे। जरनाब की स्मर्स की दवा है, क्या फ़ायदा उसके वकील होने का जब हमने ही परेशान होना है। मुर्तज़ा ने तसल्ली दी मगर मूसा का लटका हुआ चेहरा देख कर हंसने लगा, बंदा वो काम ही ना करे जिस पर बेइज्जती का खतरा हो। मुर्तज़ा मुझे कम अज़ कम तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। इतनी देर में वेटर ऑर्डर ले आया, इससे पहले कि मूसा चाय का सिप लेता उसे पार्किंग में हुनैन की गाड़ी नज़र आई। ओए भाई यहाँ ही है, मगर कहाँ? हॉल में नज़र मारते हुए मूसा ने ऊंची आवाज़ से कहा, वो देख वहाँ है किसी लड़की के साथ। मुर्तज़ा ने एक कोने में टेबल की तरफ इशारा किया, भाई और लड़की नामुमकिन बात है। क्यों, उनके सीने में दिल नहीं है? मूसा मुसलसल ताक झांक करने की कोशिश कर रहा था, इतनी बेचैनी हो रही है तो टेबल पर चले, मगर मेरे ख्याल से किसी को डिस्टर्ब करना बुरी बात है। मुर्तज़ा ने कॉफ़ी का घूंट लिया, बेचैनी की बात नहीं है बस मुझे हैरत है, लड़की हुलिये से किसी गांव की लगती है। मुर्तज़ा ने तबसरा किया, हाँ मगर अभी मूसा कुछ कहने ही लगा था कि हुनैन अपनी कुर्सी से उठ गया और उसके पीछे पीछे वह लड़की जिसने काली चादर से अपना मुँह ढांपा हुआ था चल पड़ी। ओए मुँह नीचे कर भाई, इधर ही आ रहे हैं। हुनैन तेज़ी से उन दोनों के करीब से गुजर गया जैसे देखा ही ना हो। शुक्र है हुनैन भाई ने हमें नहीं देखा। तुम्हारी गलत फहमी है कि उन्होंने नहीं देखा, उनकी दो नहीं चार आंखें हैं, पता नहीं अब कौन सा बॉम्ब फोड़ेंगे। मूसा ने अपनी परेशानी को छोड़कर हुनैन के बारे में सोचते हुए कहा। रायहा अस्पताल में सख्त बिजी थी जब जरनाब का कार्ट आया, नहीं जब जरनाब का कार्ट आया ने ला कर दिया। ठीक है अंदर भेज दो। आओ आओ बेटा कैसी हो, मगर इस वक्त खैरियत है ना, रायहा ने घड़ी पर नज़र मारते हुए पूछा।
हाँ आंटी, वो कुछ रिपोर्ट्स दिखानी थी आपको, अगर आप कुछ कर सकें। रायहा ने जनाब के हाथ से फाइल लेते हुए सरसरी सी नज़र मारी और वापस कर दी। सॉरी, इस स्टेज पर कुछ नहीं हो सकता, और अगर कुछ करने की कोशिश की तो मरीज़ को नुकसान पहुंच सकता है। वैसे भी मैं ऐसे गैर कानूनी और गैर शरी काम नहीं करती। जी बेहतर। जनाब जाने लगी तो रायहा ने पूछा, ये तुम्हारी दोस्त है या क्लाइंट? आंटी क्लाइंट है। रायहा के रूम से निकलते जनाब अस्पताल के कॉरिडोर में थक कर बैठ गई। क्या करूं, बेचारी मुफ्त में फंस गई। जरनाब सर झुकाए बैठी थी जब हुनैन ने उसे पुकारा, अंकल आप और यहाँ? हाँ मैं स्टाइलो से मिलने आया था, मगर तुम यहाँ? खैरियत? नहीं कुछ नहीं, बस वैसे ही। ये जो कुछ नहीं वैसे ही होता है ना, यही बता दो, क्योंकि यही सारा मसला होता है। हुनैन ने अपनी गोल मटोल आंखों पर ऐनक दुरुस्त करते हुए कहा, एक शर्त पर बताऊंगी कि आप उसे नहीं बताएंगे, वरना मेरा प्लान लीक हो जाएगा। जनाब ने हुनैन से वादा लिया। चलो पक्का वादा, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा, मगर तुम्हें आज एक राज की बात बताऊं? उसके कब्जे में जिन्नात हैं जो उसे सब बता देते हैं। अंकल, जनाब ने नाराज होते हुए मुंह बनाया। अच्छा अब बता भी दो, कहीं वो शैतान आ ही ना जाए। जनाब ने अलिफ से लेकर ये तक सब बता दिया, जिसे सुनकर हुनैन को हैरत का शदीद झटका लगा, मगर वो अपने तासुरात छुपा गया। अब बताएं क्या करूं, क्या मैं सुबह कोर्ट में केस फाइल करा दूं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मेरी बेटी हिम्मत करे बाकी सब रब पर छोड़ दे, क्योंकि जो रब है वही सब है। हुनैन ने कहते हुए प्यार से जनाब के सर पर हाथ फेरा और खुद जनाब और हमैन की उस दिन लोन वाली गुफ्तगु के ताने बाने बुनने लगा, जिससे जल्दी ही तस्वीर मुकम्मल हो गई। जनाब अबरीश का केस फाइल करवा कर अभी कोर्ट से निकली थी कि कॉरिडोर में हमैन से टकरा गई। लोग कहते हैं अगर काली बिल्ली रास्ता काट ले तो रास्ता बदल लो, मगर मैं कहती हूँ कि अगर हमैन मलिक रास्ता काट ले तो रास्ता बदल लो। अच्छा हैरत है, लोग मुझे देखकर रास्ता बदलते नहीं बल्कि मेरे रास्ते में आ जाते हैं, जैसे कि आप। हुनैन तमीज़ के दायरे में रहकर बात क्या करो, मगर मुझे तो कहीं दायरा नज़र नहीं आ रहा। हमैन ने ज़मीन पर इधर उधर नज़र मारते हुए जवाब दिया, क्योंकि तुम दायरे के बाहर खड़े हो। अच्छा और तुम दायरे के अंदर हो, मगर मेरी नज़र के मुताबिक तुम गटर के ढक्कन पर खड़ी हो, जिसे तुम तमीज़ का दायरा कह रही हो। जनाब ने जल्दी से अपनी जगह तब्दील की, मगर वहाँ कोई गटर या उसका ढक्कन नहीं था। चलो मुबारक हो, अब तुम भी तमीज़ के दायरे से बाहर निकल गई। हमैन मैं आगे ही बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ ना करो प्लीज़। अच्छा तुम परेशान हो? हमैन ने कलेजा एकदम दोस्ताना हो गया। हाँ तो फिर मैं क्या करूँ, अपनी परेशानी को खुद हल करो, मेरा वक्त ज़ाया ना करो, चलो शाबाश साइड पर हो। अभी अभी जरनाब के दिल में हमैन के लिए जो नरमी पैदा हुई थी वो एकदम हवा हो गई। तुमसे बहस फजूल है, कोई नहीं जीत सकता। मैं भी यही समझाना चाह रहा हूँ, मुझसे कोई जीत नहीं सकता, मैं सही हूँ या गलत, जीत मेरी ही होती है। कभी कोर्ट में मेरे मद्दे मुकाबले आने की कोशिश मत करना, इतना बुरा हाल करूँगा कि तुम वकालत छोड़ दोगी, इसे मेरी वार्निंग समझो। बैरिस्टर जरनाब अली खान और खुद जरनाब के करीब से गुजर गया। इसे क्या हुआ? जरनाब हमैन के रवैये पर सोचती रह गई, इतनी सख्ती। जरनाब अपने ऑफिस में बैठी अबरीश के केस की तैयारी कर रही थी, जब हमैन ने जोर से कुछ पेपर्स उसकी मेज पर पटके। ये क्या बदतमीजी है, मैं भी यही पूछना चाहता हूँ कि ये क्या बदतमीजी है, मैंने वार्न भी किया था मगर तुम्हें असर क्यों नहीं हुआ, फौरन इस केस की पैरवी छोड़ दो। जनाब ने हैरत से पहले हमैन को देखा फिर पेपर्स को। एक सेकंड में उसे अंदाजा हो गया कि ये पेपर्स असल में उस नोटिस के हैं जो अबरीश की तरफ से शौकत सयाल को भेजे गए थे। सॉरी मैं ये केस ले चुकी हूँ और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है। आपकी मालूमात में इजाफे के लिए अर्ज है कि मैं सयाल फैमिली का वकील हूँ। हमैन के जवाब ने सचमुच जरनाब के तोते उड़ा दिए। तुम सयाल फैमिली के कब से वकील हो गए? जब से उन्होंने मेरी फीस अदा की। हमैन ने अपने दोनों हाथ पेंट की जेब में डालते हुए कहा, तुम्हें मालूम है वो एक मुजरिम है, गुनाहगार है, तुम उसे कैसे डिपेंड कर सकते हो? नामुमकिन। जनाब ने दुख और गुस्से के मिले जुले तासुरात में कहा, मुझे इससे क्या लगे कि कौन मुजरिम है और कौन मजलूम, मैं सिर्फ अपने क्लाइंट को डिफेंड करता हूँ और बस। वैसे तुमने कब से जज के फराइज सर अंजाम देना शुरू कर दिए? तुम्हें कैसे पता कि वो मुजरिम है? हो सकता है तुम्हारी क्लाइंट मुजरिम हो। नामुमकिन, औरत है ही मजलूम और ऐसी औरतें हमारे इंसाफ के साथ साथ हमदर्दी के भी काबिल हैं। प्लीज तुम इस केस की पैरवी से हट जाओ। अभी से डर गई बैरिस्टर जनाब अली खान? हमैन के चेहरे पर फातेहाना मुस्कुराहट थी। माना कि तुम काबिल वकील हो, मगर ये जरूरी तो नहीं कि मैं तुमसे हार जाऊं।
अब की बार जरनाब ने अपने एतमाद को बहाल करते हुए जवाब दिया। अक्कड़ नहीं जाती तुम्हारी बीबी, ये जो तुम मुझसे जीतने की ख्वाब देख रही हो ना, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बिल्ली के ख्वाब में झिझड़े। वो क्या है ना, आपकी बातें सुनकर मुझे भी कछुए और खरगोश की कहानी याद आ गई है। अरे वाह, तुमने भी ये कहानी पढ़ी थी, मगर अब की बार खरगोश के सोने की उम्मीद मत रखना। मेरी मानो तो इस केस से हट जाओ, क्योंकि मुझसे जीतना तुम्हारे बस की बात नहीं। ये ना हो कि तुम्हारी क्लाइंट के साथ साथ मैं तुम्हारा वकालत का लाइसेंस भी कैंसिल करवा दूं। मुझे तो जानती ही हैं आप, जब मैं किसी से दुश्मनी पर उतर आऊं तो उसे घर छोड़कर ही आता हूं। हमैम की बातों से जरनाब का हलक कड़वा हो गया। थोड़ी देर ऑफिस में खामोशी छा गई। हमैम दरवाजे में टेक लगाए सीने पर हाथ बांधे मजे से जरनाब की कंफ्यूज होती हालत से लुत्फानंदोज हो रहा था कि जरनाब कुर्सी से उठी, अपनी तमाम चीजें समेटी हमैम के मुकाबले आ खड़ी हुई। बाहर के मुल्कों, खास तौर पर मगरबी ममालिक में उल्लू को जहीन तरीन और खुशकिस्मत समझा जाता है, मगर बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में उसे मनहूस समझा जाता है। अगर वो किसी घर की दीवार या तार पर बैठ जाए तो लोग उसकी नहुसत से बचने के लिए उसे फौरन उड़ा देते हैं। मेरे प्यारे गोल मटोल उल्लू की आंखों वाले लंदन के पढ़े लिखे वकील साहब, ऐसा ना हो कि पाकिस्तानी अदालत में मैं आपका वो हशर करूं जो आपके यहाँ उल्लू से किया जाता है। गेट असाइड प्लीज, जरनाब कहती हुई हमैन के पास से गुजर गई। जितनी देर में हमैन को बात समझ आई, कॉरिडोर में जरनाब की हील की आवाज मद्धम हो चुकी थी। जरनाब की बच्ची चैलेंज और मुझे, हमैन ने जोर से मुक्का दीवार पर मारा। आजकल तुम्हारे मोबाइल पर पुर इसरार मैसेजेस नहीं आ रहे, हुनैन ने सोफे पर बैठते हुए हमैन से पूछा, जिस पर पहले हमैन चौंक पड़ा फिर मुस्कुराने लगा। नहीं, अब नहीं आते, मैंने उनका मुकम्मल इलाज कर दिया है। चलो अच्छा है, वरना मुझे कुछ करना पड़ता। तुमने खा कुछ करना है, बस बातें ही बनाते हो, नरमीन ने हुनैन की बात का जवाब देते हुए टेबल से रिमोट पकड़कर टीवी लगाया। अब अगर तुम ये चाहती हो कि मैं कपड़े धोऊं, झाड़ू लगाऊं, खाना पकाऊं, तो सॉरी, मैं आपका शौहर हूं, बहू नहीं। मॉम, आप अपनी बहू से ये सब काम करवाएंगी? हालांकि दादू ने तो आपसे ये काम नहीं करवाए। हमैन ने शरारत से हुनैन की तरफ देखा। तुम दोनों बाप बेटा अगर तन से पाक बात कर लोगे तो कयामत नहीं आएगी, नरमीन गुस्से से उठकर जाने लगी, जब हुनैन ने उसका बाजू पकड़कर उसे बिठाया। आप हुक्म करें, क्या काम करूं? ये जो तुम्हारा आवारा लड़का है, अब उसकी शादी कर दो, शायद ये ठीक हो जाए, जिसकी मुझे जरा उम्मीद नहीं। लफ्ज आवारा पर हमैन मुंह खोलकर पहले नरमीन और फिर हुनैन को देखने लगा। मॉम, आप कसम से ज्यादती कर रही हैं, जरा आप अखबारात, रसाइल और टीवी चैनल्स देखें, किस तरह सब मेरी तारीफें कर रहे हैं और आप कह रही हैं आवारा। हमैन को ये लफ्ज आवारा हजम नहीं हो रहा था। तुम्हें कोई पसंद है तो बता दो, वरना हम जरनाब के लिए तुम्हारी बात करें। जरनाब? हमैन ऐसे चीखा जैसे उसे सांप ने काट लिया हो। मैं उसे कभी शादी नहीं करूंगा, जो मर्सी हो जाए। आपको अपनी जैसी मिलती है तो आज कर दे, बल्कि अभी कर दे। जरनाब में क्या खराबी है, हुनैन ने पूछा। कोई एक हो तब ना, खराबियां ही खराबियां हैं, दिमाग इतना मोटा है कि कोई बात समझ नहीं आती। बकौल डॉक्टर यूनस बट के, जहानत औरत की वो खूबी है जिसका ना होना भी खूबी से कम नहीं। आपको पता है मोहतरमा मेरे मुकाबले में केस लड़ रही है। हमैन ने अपने तौर पर हुनैन को इत्तला दी। मुझे मालूम है, और साहबजादे मुझे लगता है कि वो ये केस जीत जाएगी। सीरियसली? हमैन ने हुनैन की राय पर अपनी गोल मटोल आंखें घुमा कर पूछा। बस मेरा अंदाजा है, हुनैन ने कंधे उचकाए। बिल्कुल गलत अंदाजा है, मेरे हिसाब से तो हार जाएगी, वो भी बहुत बुरी तरह। अभी दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। इस्लामाबाद कचहरी में बॉम्ब धमाका, और इसके साथ साथ कचहरी की सूरत हाल दिखा रहे थे। हमैन और हुनैन के मुंह से एक साथ निकला, जरनाब अल्लाह खैर करे एक ही औलाद है जरियाब की, नरमीन ने अपने हाथ मुंह पर रखते हुए कहा। हमैन, मूसा, मुर्तजा, तबीर, कोनैन, जरियाब और हुनैन सब के सब इस वक्त इस्लामाबाद कचहरी के बाहर खड़े थे। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। रिबन के आगे किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। हर तरफ एम्बुलेंस शोर मचाती घूम रही थी। एक तरफ सिक्योरिटी अहलकार, दूसरी जानब मीडिया वाले, जबकि तीसरी जानब अवाम का रश लगा हुआ था। हर कोई अपने प्यारे के बारे में जानना चाह रहा था, मगर सिक्योरिटी वाले किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रहे थे। मुसलसल जख्मियों को अंदर से बाहर निकाला जा रहा था।
थोड़ी देर पहले जो जगह अपनी खूबसूरती में कमाल रखती थी, अब वो इंतहाई दर्दनाक और इबरतनाक मनाजिर पेश कर रही थी। हर तरफ आहो बका मची हुई थी। बारी बारी सभी जनाब का नंबर डायल कर रहे थे, जो मुसलसल बन जा रहा था। मेरे ख्याल से हमें सबसे पहले पार्किंग में जनाब की गाड़ी देखनी चाहिए, हो सकता है वो धमाके के वक्त कहीं बाहर गई हो। अचानक हमैन ने हुनैन से कहा और हुनैन ने सर हिलाकर उसे पार्किंग की तरफ जाने की इजाज़त दे दी। हमैन और मुर्तज़ा पार्किंग में गाड़ियां चेक करने लगे, जो काफ़ी तबाह हो चुकी थी, और जल्द ही उन्हें जनाब की गाड़ी भी मिल गई। ओह नो शिट। सुनो, अभी यह बात अंकल ज़रा आपको नहीं बतानी। जब तक सूरत हाल वाज़े नहीं हो जाती, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि वो इस वक्त कचहरी में नहीं थी, हमैन ने मुर्तज़ा की तरफ देख कर कहा, जिस पर उसने हाँ में सर हिला दिया। अंदर जाने की किसी को भी इजाज़त नहीं थी, इसलिए बाहर खड़े होने के अलावा और कोई चारा नहीं था। सरयाब मर्द था, इसलिए वो रो नहीं रहा था, मगर उसकी शक्ल उसके दिल का हाल बयान कर रही थी। रायहा और इर्तज़ा अस्पताल में बिजी थे, क्योंकि इस्लामाबाद के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। अब रोने का क्या फ़ायदा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी जान छूट जाएगी। हर वक्त उसके पीछे पड़ी रहती थी, तुमने बेटी जैसी रहमत की नशुक्री की है, इसीलिए ऐसा हुआ है। मगर एक बात याद रखना, अगर जरनाब को कुछ हुआ तो मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा। आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि जरियाब महनूर को डांट रहा था और वो चुपचाप आंसू बहाती उसकी बातें सुन रही थी। बस करो, क्या हो क्या है, वो सिर्फ तुम्हारी नहीं इसकी भी बेटी है, जितना तुम्हें दुख है इसे भी है, आखिर माँ है वो। नरमीन ने महनूर को साथ लगाते हुए जरियाब से कहा, नरमीन तुम्हें नहीं पता ये बहुत नाशुक्री औरत है, मैंने इसे कहा भी था कि नेमतें और मोहब्बतें छीन ली जाती हैं अगर उनकी कदर न की जाए, मगर इस पर असर ही नहीं होता। जरियाब जले पैर की बिल्ली की तरह घर में अंदर बाहर घूम रहा था, कभी एक को फ़ोन करता, कभी दूसरे को, थककर फिर दोबारा जरनाब का नंबर डायल कर लेता। चक्कर लगा लगा कर उसके पांव शल हो गए थे। या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरी रहमतों की, तेरी नेमतों की बहुत नाशुक्री की है, बेशक इंसान बड़ा नाशुक्रा है। अल कुरान। जो नेमतें उसके पास होती हैं वो उसकी कदर नहीं करता, मगर जब वो छीन ली जाती हैं या छीन जाने का खौफ होता है, तब पता चलता है कि अल्लाह ने उसे किस किस नेमत से नवाजा हुआ है। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मेरी गोद उजड़ जाएगी और मेरा शौहर मुझे छोड़ देगा, मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। प्लीज़ प्यारे अल्लाह जी, मुझे माफ़ कर दें। आपने गुलाम को दिन में 70 बार माफ़ करने का हुक्म दिया है, तो फिर आप मुझे भी माफ़ कर दें। आइंदा मैं कभी ना शुक्रिया नहीं करूँगी। मेरी बेटी की हिफाजत करें, उसे अपनी पनाह में रखें। मानूर रो रो कर चाय नमाज पर बैठी दुआएं मांग रही थी। मौत से होते हैं, दुआएं सुन ली जाती हैं, जख्म भर दिए जाते हैं, दिल जोड़ दिए जाते हैं, कुन फरमा दिया जाता है। सिर्फ ईमान, तवक्कल और सब्र की ज़रूरत है। हुज़ैफ़ा जो यूनिट में बैठा खबरें देख रहा था, कचहरी की खबर सुनकर फौरन हमैन का नंबर मिलाने लगा। कैसा है तू, मैं तो समझा कि धमाके की नज़र होकर मेरे से पहले तूने जामे शहादत नोश कर लिया है। हमैन की आवाज़ सुनते ही हुज़ैफ़ा ने दिल में शुक्र अदा किया। हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मगर वो चिली मिली नहीं मिल रही। कसम से इतना सुबह से खबार किया हुआ है, दिल करता है दो लगाऊं। कौन जनाब, आपकी बार हुज़ैफ़ा ने फिक्रमंदी से पूछा। हाँ वही, कहाँ भी था घर बैठ, अगर अपने घर नहीं बैठा जाता तो किसी और के ही घर बैठ जा। हमैन की बात का मतलब समझते हुए हुज़ैफ़ा ने हंसते हुए कहा, यार मुझे तो छुट्टी नहीं है इसीलिए मैं तो आ नहीं सकता, मगर तू ज़रा आप अक्ल का ख्याल रखना और मुझे अपडेट करते रहना। करोना आया, छुट्टियां होया, सारे लोग घर नु आए, ओ नहीं आए हमैन मलिक जोड़े फौज जिच भर्ती कराए। कर ले बकवास जितनी भी करनी है, मगर मुझे अपडेट करते रहना, हुज़ैफ़ा ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। हुज़ैफ़ा ने हमैन से बात करने के बाद कुछ सोचते हुए जरनाब का नंबर डायल किया। इसे खुशकिस्मती ही कहा जा सकता है कि दूसरी बेल के बाद जरनाब ने फ़ोन उठा लिया। हेलो जरनाब, कहाँ हो, कसम से तुमने तो हिलाकर रख दिया है। मतलब, जरनाब के जवाब ने सचमुच हुज़ैफ़ा को हिला दिया। मतलब क्या, तुम कहाँ हो, न्यूज़ नहीं देखी तुमने। क्यों, क्या है न्यूज़ में। बेवकूफ़ लड़की, कचहरी में धमाका हुआ है, हम सब तुम्हारे लिए परेशान हैं और तुम। ओह अच्छा, मुझे नहीं पता, वो असल में मैं इस वक्त एक ज़रूरी काम से किसी के साथ करीबी गांव गई हुई थी, मोबाइल शायद बैटरी लो की वजह से खुद ब खुद ही ऑफ हो गया, अभी चार्ज करके ऑन किया तो साथ ही तुम्हारी कॉल आ गई। चलो तुम फ़ोन बंद करो, मैं ज़रा बाबा को फ़ोन कर लूँ। जनाब ने अभी कॉल बंद ही की थी कि ज़रा आपका फ़ोन आ गया। शुक्र है तुम ठीक हो, मगर कहाँ हो मेरी जान।
मेरी तो जान ही निकल गई थी। जनाब मेरे बेटे कहाँ हो बोलो। पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप प्लीज़ परेशान ना हो, इस्लामाबाद में ही हूँ। वो मेरी गाड़ी में कुछ मसला हो गया था तो मैं प्राइवेट चली गई। अच्छा अपनी लोकेशन बताओ, मैं लेने आता हूँ। जनाब ने जल्दी जल्दी अपनी लोकेशन बताई। ये तो वही बात हुई, बच्चा बगल में ढंडोरा शहर में। हमैन ने जरियाब की बात सुनते ही मुर्तजा के कान में अपनी आदत के मुताबिक सरगोशी की। तुम सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जरियाब ने बारी बारी सबको गले लगाया। मगर जनाब कहाँ है और किसके साथ? दाल काली लग रही है, हमैन के सवाल पर मुर्तजा ने तबसरा किया। दाल का तो पता नहीं, फिलहाल वकील साहिबा के करतूत काले लग रहे हैं। बकवास बंद करो अपनी अपनी, हर वक्त मसखरापन अच्छा नहीं लगता। हालात की संगीनी को समझो, चलो शाबाश घर का रास्ता लो। हुनैन ने दोनों को डांटा और सब अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ बढ़ गए। सोचने वाली बात है, प्लास्टिक की खाली थैलियां हों या खाली दिमाग वाले लोग, मुनासिब इंतजाम ना किया जाए तो हवाओं में उड़ने लगते हैं। गाड़ी चलाते हुए हमैन ने कहा, तुम जरनाब की बात कर रहे हो ना? नहीं, वजीर आजम की। जाहरी सी बात है, जिसने सुबह से नचाया हुआ है उसी की कर रहा हूँ। वैसे वो इतनी नालायक नहीं है जितना तुम उसे समझते हो, और इतनी लायक भी नहीं है जितना तुम उसे समझते हो। खैर मैं पता तो कर ही लूँगा। वैसे एक बात है, मैं परेशानी में भी बहुत खूबसूरत लगता हूँ, हमैन ने बैक मिरर में देखते हुए कहा। पता नहीं तो कैसे अपनी तारीफें अपने मुँह से कर लेता है, हालांकि मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत कम अज़ कम तुझे नहीं। हर कोई तेरी तारीफें कर रहा होता है, फिर भी तू अकबर बादशाह की तरह जारियत पसंद होता जा रहा है। मुर्तजा की बात अभी जारी थी, गाड़ी एक झटके से रुकी। क्या हुआ? जैसे ये गाड़ी पेट्रोल के बगैर नहीं चल सकती, बिल्कुल इसी तरह मैं तारीफ के बगैर काम नहीं कर सकता। मैं खुद पसंद भी हूँ और जारहियत पसंद भी। जिंदगी में पैसा, प्यार, दोस्त सब आते जाते रहते हैं, लेकिन टूटे हुए दांत वापस नहीं आते। इसीलिए शराफत से मेरी तारीफ करो। ओह सॉरी। ए अजीम वकील और आला जर्फ इंसान, क्या आप मुझ नाचीज को घर पहुँचा देंगे? मुर्तजा ने हमैन की बात समझते हुए भरपूर एक्टिंग की, जिस पर दोनों हंसे और गाड़ी चल पड़ी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम बिल्कुल खैरियत से हो। मानूर बार बार जनाब को गले लगा रही थी। मामा क्या हो गया है, आप क्यों ऐसे कर रही हैं? देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने हूँ। तुम कहाँ गई थी, वो भी अकेली? जरियाब ने कदरे गुस्से से पूछा। बाबा वो एक ज़रूरी काम था, खैर छोड़ी ना। जनाब ने लाठ से जरियाब के पास बैठते हुए कहा, सरदार साहब कोई शौकत सयाल नामी शख्स आपसे मिलने आया है, कहता है सरदार दिलावर अली खान ने भेजा है। इससे पहले कि जरियाब कुछ कहता, नौकर ने आकर इत्तला दी। अच्छा बिठाओ मैं आता हूँ। कब से उनका फ़ोन आ रहा था, तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे, जरियाब कहता हुआ ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया, जबकि जनाब कुछ सोचने लगी। हमारे आबाओ अजदाद के आपस में बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और हमारे भी। सलाम दुआ के बाद शौकत सयाल ने अपनी लाठी को हाथ से घुमाते हुए कहा, आप भी अगर हमारे साथ चलेंगे तो हम यारों के यार हैं। हम इलेक्शन में आपकी हर तरह से मदद करेंगे। हम खुद चाहते हैं कि आप जैसे बंदे इस कौम की मदद करें। मैंने सिर्फ आपकी खातिर अपने पोते महल अली सयाल को आपके मुकाबले में इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया है। अब हमने आपके लिए इतना कुछ किया है तो आपका भी तो फ़र्ज़ बनता है कि आप भी हमारे लिए कुछ करें। जनाब जो कब से ही समझ रहा था कि वो जनाब की खैरियत पर उसे मुबारकबाद देने आए हैं, उनकी बात सुनकर हैरान हो गया। आप खुलकर बात करें, यकीन जानिए मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। वैसे तो आप काफ़ी समझदार हैं, मगर मुझे हैरत है सरदार साहब कि आप हमारी बात का मतलब समझे नहीं या समझना चाह नहीं रहे। किस्सा मुख्तसर, आप अपनी बेटी को समझाएं कि वो हमारे खिलाफ केस ना लड़े। हालांकि हमारा वकील बहुत अच्छा है, क्या नाम है उसका? शौकत अली ने महर की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ याद आया, हमैन मलिक। जरियाब को कुछ समझ नहीं आ रही थी, जनाब का उन पर केस करना, हमैन का उनको दिफा करना। अगर जनाब हक पर है तो हमैन उनका साथ क्यों दे रहा है, और अगर जनाब गलत है तो नहीं, ये कैसे हो सकता है? आप प्लीज़ साफ अल्फाज इस्तेमाल करें, बात को घुमाएं नहीं। अगर आप ये बात हमारी बजाय अपनी बेटी से कहो तो ज़्यादा बेहतर होगा। और हाँ, हमने तुम्हारे ताया हशमत अली खान से भी बात की है, कहो तो तुम्हारी भी करा दें। शौकत अली सयाल के चेहरे पर मायनी खेस मुस्कुराहट थी, जिसका मतलब जरियाब बखूबी समझ सकता था। इसकी ज़रूरत नहीं, मैं जरनाब से बात करता हूँ, मगर मैं अपनी बेटी को अच्छे से जानता हूँ, वो कभी गलत काम नहीं करती। जरियाब ने उनसे हाथ मिलाते हुए खुश अखलाकी से जवाब दिया। बेहतर है मामला अच्छे तरीके से हल हो जाएं, वरना तुम्हें तो पता ही है कि बेटी की इज्जत कितनी नाजुक होती है।
सयाल साहब के आखिरी अल्फाजों ने जरियाब का दिमाग घुमा दिया। वह मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा है, मेरा फखर। दूसरा, इज्जत सबकी नाजुक होती है, अगर बुढ़ापे में खराब हो जाए तब भी मसला ही होता है। फिर अपने नौकर को मुखातिब किया, करमदाद मेहमानों को इज्जत से रुखसत कर दो, और खुद अंदर की तरफ बढ़ गया। अरे वाह, आज तो सुबह ही बहुत प्यारी हुई है, मेरा शहजादा आ गया है। इतरत फजर की नमाज पढ़ रही थी जब हुज़ैफ़ा ने कमरे में कदम रखा। जी बिल्कुल, आपका शहजादा हाजिर है, मुझे लगा आप मुझे याद कर रही हैं। तो हुज़ैफ़ा इतरत की गोद में सर रख कर कारपेट पर लेट गया। तुम मुझे भूलते ही कब हो, हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहते हो। इतरत ने हुज़ैफ़ा के बालों में लाट से हाथ फेरा। ये तो गलत बात है मामा जानी, आंखों के सामने हर वक्त मैं और बाबा होते हैं। हिबा ने हुज़ैफ़ा की आवाज़ सुनते ही कमरे में दाखिल होते हुए कहा, जलने की बू आ रही है। हुज़ैफ़ा ने अपनी नाक सुकेटते हुए कमरे में इधर उधर नजर घुमाई, जबकि हिबा उसके पास आकर बैठ गई। मत लड़ा कर हर वक्त, इतरत ने मस्तुई गुस्से से दोनों को देखा। भाई पता ही ना कैसे आना हुआ, किसकी याद सता रही थी। हिबा ने शरारत की, मगर हुज़ैफ़ा का जहन मासूमा की तरफ चला गया। तुम्हारा कुछ नहीं लगता, मगर ऐ जाने हयात, जाने क्यों तेरे लिए दिल को धड़कता देखूं। ज़्यादा ड्रामा नहीं लड़की, वो मैंने एविएशन के लिए अप्लाई किया था, मामा की दुआ से सिलेक्ट हो गया हूँ। अगले हफ्ते गुजरांवाला कोर्स के लिए जा रहा हूँ, इसीलिए मिलने आया था ताकि मामा की ढेरों दुआएं ले सकूँ। अपनी बात के आखिर में हुज़ैफ़ा ने मोहब्बत से इतरत की तरफ देखा। माशाल्लाह, मेरा बेटा अब जहाज़ उड़ाएगा। इतरत ने हुज़ैफ़ा का माथा चूमा। जहाज़ नहीं, हेलीकॉप्टर माँ जी, हुज़ैफ़ा ने इतरत की मालूमात में इजाफा किया। ओह, अच्छे खासे फौजी थे, अब आप रिक्शा चलाएंगे। हिबा ने अफसोस से अपनी गर्दन घुमाई। बहरी लड़की, मैंने हेलीकॉप्टर बोला है, रिक्शा नहीं। एक ही बात है, दोनों ही बहुत शोर करते हैं। रिक्शा ड्राइवर, हिबा ने हुज़ैफ़ा की बात का जवाब दिया और हंसने लगी। जनाब की बातें सुनने के बाद ज़रियाब के चेहरे पर परेशानी के आसार नमोदार हो गए, जबकि महानूर को गुस्सा आ गया। तुम्हें किसने कहा है कि तुम ये केस लड़ो? कामा खान दूसरों की लड़ाई का हिस्सा नहीं बनते। हमैन से ही कुछ सीख लिया होता। अगर हमैन उस लड़की की फेवर नहीं कर रहा तो मुझे यकीन है कोई ख़ास बात होगी, क्योंकि वो बच्चा गलती कर ही नहीं सकता, बहुत दूर अंदेश है वो। मामा, आप हमेशा हमैन की साइड लेती हैं, जबकि मैं आपको अभी अभी सब सच सच बता चुकी हूँ। फिर भी जनाब ने लाचारगी से ज़रियाब की तरफ देखा, जो फिक्रमंद नज़र आ रहा था। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, मगर बेटा हमैन, जब मेरे घर वाले ही मेरा साथ नहीं दे रहे, मेरी बात को नहीं समझ रहे, तो दूसरे कैसे समझेंगे? हमैन भी हमारी तरह एक आम इंसान है, जिसे आप लोगों ने खास बना दिया है, वो भी गलती कर सकता है। प्लीज़ उसके असर से निकल आए। जनाब अब बुरी तरह तप चुकी थी। बेटा ये बात नहीं है, मेरा मतलब है कि हमैन अगर उस लड़की की फेवर नहीं कर रहा तो कोई मसला होगा, मतलब खतरा। आपको क्या लगता है, हमैन किसी खतरे से डरता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो डरता नहीं है। बस सियाल फैमिली का केस मजबूत है, उसे अपने जीतने की 90% उम्मीद है, वो अपना रिकॉर्ड ख़राब नहीं करना चाहता। दूसरा, मेरे ख्याल से वो लालच में आ गया है, क्योंकि सयाल फैमिली ने उसे मुंह मांगी फ़ीस अदा की है। अपनी बात ख़त्म करते ही जरनाब ने महनूर और जरियाब की तरफ देखा, जो उससे मुत्तफिक नज़र नहीं आ रहे थे। अब तुम बिल्कुल गलत बोल रही हो, वो लालची नहीं है, अरबपति बाप का बेटा है, वैसे भी हुनैन और नरमीन की औलाद ऐसी नहीं हो सकती। महनूर से बर्दाश्त ना हुआ तो फिर हमैन की हमायत में बोल पड़ी। मामा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बुरा निकल आया था, तो अंकल हुनैन का बेटा किस खेत की मूली है? जरनाब की कहावत पर जरियाब मुस्कुरा दिया, मगर फिर कुछ सोचता हुआ कमरे से बाहर चला गया। अब बोलो भी, क्या बात है? जरियाब और दबीर दोनों ही खासे सीरियस दिखाई दे रहे थे। देखो हुनैन, हमारी बात ज़रा गौर से सुनो। क्या खाक सुनूं? तुम कुछ बोलोगे तो सुनूंगा ना, अब तुम्हारे दिल की धड़कनें जो ज़ोर ज़ोर से धड़क रही हैं उनका क्या मतलब समझूं? तुम्हें कैसे पता हमारे दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहे हैं? दबीर को हैरत हुई। बकवास करते हो या मैं जाऊँ? हुनैन ने गाड़ी की चाबी और मोबाइल उठाते हुए धमकी दी। जरियाब ने उसकी धमकी पर सारी बात उसके गोश गुजार कर दी, जिसे सुनकर हुनैन इतना ही मुतमइन नज़र आ रहा था जितना पहले था। तुम्हें हैरत नहीं हुई कि हुनैन क्या करने जा रहा है? जरियाब से हुनैन का इत्मीनान हजम नहीं हो रहा था। मैं अपने बेटे के ज़ाती मामलात में टांग नहीं अड़ाता, वो अपने कामों का खुद जिम्मेदार है, मगर उसकी जान को खतरा हो सकता है। दबीर ने फौरन हुनैन की बात काटी। होने दो, अच्छा है, ज़रा चुकाई होगी तो तबीयत सेट हो जाएगी। मैं उन वालदैन में से नहीं हूँ जो औलाद को समझाने के लिए खुद बोल बोल कर अपना बीपीआई कर लेते हैं। बच्चों को उनके हाल पर छोड़ दो।
बच्चों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए ताकि वो खुद अपनी जंग लड़ें और सीखें। शेर के बच्चे इसी तरह बड़े होते हैं। तुम हुमैन की फिक्र छोड़ो और ये बताओ तुम्हारी असल परेशानी क्या है। हुनैन ने अपनी गोल मचोल आँखें घुमाकर बराह रास्त ज़रियाब से पूछा। वो जरनाब, ज़रियाब ने हिचकिचाते हुए अपनी बात शुरू की। मेरी एक बात तुम दोनों कान खोल कर सुन लो। हुमैन की वजह से अगर कभी भी ज़रियाब को ज़रा सा भी नुकसान पहुँचा तो मैं ये भूल जाऊँगा कि वो मेरा बेटा है, क्योंकि ज़रनाब मुझे बहुत प्यारी है। और अगर कभी दोबारा तुमने इस तरह मुझसे ज़रनाब के बारे में बात की तो मैं तुम दोनों की जान ले लूँगा, समझे। हुनैन की बातों से ज़रियाब के चेहरे पर इत्मीनान फैल गया और उसने मुस्कुरा कर दबीर की तरफ देखा, जो सुख का सांस ले रहा था। वैसे बगैर तो तुम दोनों ने मुझे यहाँ हुमैन के करतूत बताने के लिए बुलाया था, ज़रा शर्म नहीं आई तुम्हें? कभी मैंने भी तुम्हारे करतूत तुम्हारी बेगमात को बताए हैं? हमने क्या किया है, दोनों ने एक साथ कहा। माशाल्लाह, क्या इत्तफाक है। वैसे तुम्हें यकीन है कि तुम दोनों ने कभी कुछ नहीं किया? हुनैन ने अपनी आंखें घुमाकर दोनों को देखा और शरारत की। अगर कहो तो मैं याद करा दूं। नहीं शुक्रिया, दबीर ने मुंह बनाया। हुमैन अपने रूम में बैठा केस की स्टडी कर रहा था जब हुनैन रूम में दाखिल हुआ। क्या कर रहे हो मेरे हीरो? फिलहाल तो जीरो हूं आपकी नजर में। तभी तंस कर रहे हैं, वरना आज तक तो कभी हीरो नहीं कहा। हुमैन ने अपना पेन बेड पर रखते हुए जवाब दिया। अभी वो टांग पर टांग रखकर अपने मखसूस स्टाइल से बैठने ही लगा था कि हुनैन की नज़रों का मफहूम समझते हुए सीधा होकर बैठ गया। तुम ज़रनाब को क्यों परेशान कर रहे हो? क्या तकलीफ है तुम्हें? अगर तकलीफ का आराम नहीं आ रहा तो डॉक्टर से रुजू करो। अच्छा, तो ये बात है, आपकी लाडली ने आपको अपना सिफारिशी बनाकर भेजा है, डर गई है बेचारी। हुमैन ने अफसोस से गर्दन हिलाई। डरती तो अभी तक उसकी माँ नहीं है तो वो क्या डरेगी। सरदार ज़रियाब अली खान की बेटी है, वो भी इकलौती, बहुत हल्का ले रहे हो तुम। ये ना हो कि वो तुम्हें अदालत में नंगा कर दे, यकीन मानो मुझे बहुत शर्म आएगी, हालांकि मैं रजिस्टर्ड बेशरम हूँ। मिस्टर हुनैन, आप मुझे बहुत हल्का ले रहे हैं। अगर आपकी लाडली का लाइसेंस कैंसिल न करवा दिया तो मेरा नाम हुमैन मलिक नहीं। चलो देखते हैं, हुनैन कहता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, फिर कुछ सोच कर पलटा। हुमैन, अगर तुमने किसी भी किस्म का ज़ाती इंतकाम लिया या उसे तुम्हारी वजह से कोई तकलीफ पहुंची तो याद रखना मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो, वो भी लाडले। दरवाज़ा बंद होते ही हुमैन ने अपना पेन पूरे ज़ोर से दीवार पर मारा। ज़रनाब की बच्ची, अब तो बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा। धमकियाँ, वो भी हुमैन मलिक को। तुम्हें क्या लगता है, हुमैन ठीक कर रहा है? हाला ने दबीर के पास बैठते हुए पूछा। पता नहीं क्या करते फिर रहे हैं ये दोनों। दोनों? ज़रनाब, हुमैन और कौन? उन्हीं की बात कर रहा हूँ। वैसे हुनैन का इत्मीनान बता रहा है कि हुमैन बिल्कुल ठीक कर रहा है, मगर ज़रनाब के बारे में जो कुछ ज़रियाब ने बताया मुझे वो भी ठीक लग रही है। अब आगे अल्लाह ही बेहतर जानता है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हम सब ही इस बात पर इतने ज़्यादा मोहताज क्यों हो रहे हैं। आगे भी तो ज़रनाब बहुत से रेप केसेस लड़ती रही है, तब तो किसी को कोई मसला नहीं होता था। हालांकि बात पर दबीर ने मुस्कुरा कर उसे देखा। इस दफ़ा हम सब मोहतात नहीं बल्कि खौफजदा हैं। मसला ना ज़रनाब का है और ना ही हुमैन का, असल मसला सयाल फैमिली है। वो एक ऐसा ख़ानदान है जो पाकिस्तानी सियासत में अपना एक मुकाम रखता है, फिर वो जागीरदार भी हैं, हज़ारों लोग मुख्तलिफ महकमों में उनके जानने वाले हैं। तुम बात को समझ क्यों नहीं रही कि वो ज़रनाब को नुकसान पहुंचा सकते हैं? बेटी की ज़ात है, डर लग रहा है और बस। तो तुम अपने ज़राए इस्तेमाल करो ना। हालांकि ये तुम्हारी शॉपिंग नहीं है, जो एक शॉप से पसंद ना आए तो दूसरी से कर लो। ये एक सीरियस मसला है, हम सब अगर एकदम सामने आ गए तो वो खबरदार हो जाएंगे कि बाकायदा ग्रुपिंग होगी। क्या हो गया है तुम्हें, बात को समझो ना। तुम्हें याद नहीं वो शाहजेब कत्ल केस क्या हुआ था? उसमें कुछ भी नहीं बिगड़ा था जागीरदारों का, उल्टा जो मजलूम था उसे ही मुल्क छोड़ कर जाना पड़ गया। मगर शाहजेब और अब्रिश का केस बहुत मुख्तलिफ है। हाँ जी फ़र्क है, मगर बज़ाहिर हकीकतन दोनों एक ही तस्वीर के दो रुख हैं, एक तरफ मसलूम और दूसरी तरफ जागीरदार। अल्लाह मालिक है। वैसे ये ज़रनाब अपने साथ साथ ज़रियाब को भी मुसीबत में फंसा रही है, उसे ये केस नहीं लड़ना चाहिए। मैं बात करूँगी उससे, अगर वो मान गई तो। हालांकि बात पर तबीर को हंसी आ गई। डॉक्टर रायहा बुखारी साहिबा, वो महनूर की बेटी है, जितनी देखने में खूबसूरत है उससे कहीं ज़्यादा वो ज़िद्दी है। अच्छा चलो जो भी है,
तुमसे जितना भी हो सके उसकी मदद करना, मुझे यकीन है हमैन ही जीतेगा, शहजादा है मेरा। जी बेहतर, वैसे ये आपके शहजादे ने ही सारा तमाशा लगाया हुआ है। अगर वो बार बार जरनाब को ना चुराता तो वो मान जाती और हम उसे ये केस ना लड़ने पर राजी कर लेते। अच्छा रहने दो, जो किसी के फायदे की बात करता है वही बुरा लगता है। खैर ये बताओ, शॉपिंग पर कब लेकर जा रहे हो? शॉपिंग? तबीर ने बमुश्किल अपने जज्बात को कंट्रोल किया। हाँ शॉपिंग, अब बेटे की मंगनी नहीं करनी, कल से हुज़ैफ़ा भी आया हुआ है, कुछ शुगल हो जाए। तौबा है हाला, इतनी सीरियस सिचुएशन में तुम्हें क्या सोच रहा है? जनाब लोग हालत जंग में शादी भी करते हैं और बच्चे भी पैदा करते हैं और मरते भी हैं, ये सब कुदरती है। अब बातें ना बनाओ और मुझे शॉपिंग पर लेकर जाओ। हाला शॉपिंग नरमीन के लिए करनी है, उसे ले जाओ, मेरा क्या काम? दबीर ने जान छुड़ाई। फिलहाल मैंने अपनी करनी है, फिर घर की और आखिर में नरमीन की। क्या? ओह नो, फिर सेटिंग, फर्नीचर, कारपेट, कर्टन तब्दील? ओह माय गॉड, प्लीज हाला। हाँ तो बेटे का पहला फंक्शन है, बैकग्राउंड तो तब्दील करना होगा ना, वरना तस्वीरें अच्छी नहीं आएंगी। तुम्हारे केस में भी मुझे लगता है हमैन से ही रابطہ करना पड़ेगा। बस रहने दो, इस वक्त से केस सुन रही हूँ, पता ही नहीं चल रहा अस्पताल का है या अदालत का। खैर मैं दोनों से ही नहीं डरती, हाला कहती हुई अंदर की तरफ बढ़ गई, जबकि दबीर सोचने लगा कैसे अपनी जान बचाई जाए। यार ये सब क्या है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। हुज़ैफ़ा ने हमैन के बेड पर बैठते हुए पूछा, क्या समझ नहीं आ रही? हमैन बज़ाहिर लापरवाह लग रहा था मगर हकीकतन परेशान था। तो परेशान है? हुज़ैफ़ा ने हमैन का मुकम्मल जायजा लेते हुए पूछा। हाँ भी और नहीं भी। इतनी देर में सर्वेंट चाय ले आया। बाबा ये ट्रे इधर दे दें। हमैन ने उसके हाथ से ट्रे लेकर अपने और हुज़ैफ़ा के दरमियान रख दी। यार असल में अब ये केस लड़ना मेरी जिद बन गया है, जिसे देखो मुझ पर दबाव डाल रहा है। आखिर क्यों? जरनाब को समझाने की बजाय मेरा सर खाने आ जाते हैं। प्लीज़ अगर तेरा भी ऐसा कोई इरादा है तो मेहरबानी फरमाकर मुझे माफ़ कर दे और अपना मुंह बंद रख। हमैन ने कहते हुए अपने दोनों हाथ हुज़ैफ़ा के सामने जोड़ दिए। लगता है काफ़ी लेक्चर सुनना पड़ा है वकील साहब को। हुज़ैफ़ा ने हंसते हुए चाय का कप उठा लिया। ऐसा वैसा दबंग किस्म का लेक्चर सुनाया है मिस्टर हुनैन ने। हैरत है तूने लेक्चर सुन लिया, हालांकि तू लड़की नहीं है। लड़का होने का एक फ़ायदा ये भी है, जब बेइज्जती होने लगे तो चुपचाप घर से निकल जाओ। बेचारी लड़कियों को पूरी कवाली सुननी पड़ती है क्योंकि वो कहीं जा नहीं सकती। तूने पूरी कवाली क्यों सुनी? हुज़ैफ़ा के सवाल पर हमैन तप गया, क्योंकि कवाली सुनाने वाला कोई आम नहीं हुनैन मलिक था। उसकी आराम से सुन लो तो ठीक, वरना वो बाजार में नंगा कर देता है और देखता नहीं है कि सामने कौन है। हुज़ैफ़ा बेड पर लेटा कह कहे लगा रहा था, हंस ले बेटा, अपनी दफा तू रो रहा होता है। इसके साथ ही हमैन को पता नहीं क्या हुआ, छलांग मारकर बेड से नीचे उतरा। चल जल्दी कर, मैंने तुझे किसी से मिलवाना है, जल्दी जल्दी, और खुद अपने शूज पहनने लगा। मगर किससे? बेफिक्र रह, वो मासूमा नहीं है, मगर है तेरे काम की चीज। हमैन ने आंख मारते हुए उसे बाहर की तरफ घसीटा। देखो मैं तुम्हें आप नहीं कहूंगी क्योंकि तुम मेरी ही हम उम्र हो, वैसे भी आप कहने से एहतराम करना पड़ता है जो मुझसे नहीं होता। रामीन ने अबरिश के बराबर सोफे पर बैठते हुए कहा। ठीक है जैसे आपकी मर्जी। अबरिश ने गर्दन हिलाई। अच्छा ये बताओ कुछ पढ़ी लिखी भी हो कि बिल्कुल ही फारिग हो, मतलब स्कूल की शक्ल देखी है? रामीन ने मज़े से सामने वाले टेबल पर अपनी टांगें रखी। ब्रैकेट, चल बच्चे रामीन ज़रा इस पेंडू पर अपनी पढ़ाई का रोक डाल। मैंने ओ लेवल्स किया है, वो भी ए प्लस ग्रेड में। यानी? रामीन ने अपनी आंखों में हैरत समो कर पूछा। यानी मैंने लंदन से पढ़ा है, वहाँ मैट्रिक नहीं होता क्योंकि मैं और मेरे बाबा लंदन में रहते थे। मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ बल्कि 5 साल पहले हादसाती तौर पर पाकिस्तान आई और यहीं फंस गई। इतना बताकर अबरिश की आंखों में पानी भरने लगा। हमारी दोस्ती की सबसे पहली और आखिरी शर्त यह है कि आइंदा तुम रहोगी नहीं। बकौल शायर, तुम्हें मोहतात करती हूँ, तुम्हारी जान ले लूँगी, अगर इन झील जैसी आंखों को ज़रा पुरनम किया तुमने। वाह वाह, आखिर में रामीन ने खुद ही खुद को दाद दी। ठीक है नहीं रोती, अच्छा आप कितना पढ़ी लिखी हैं, मतलब आपकी तालीम? अबरिश के सवाल पर रामीन ने पहले अपना गला साफ किया फिर मुस्कुराई। वो क्या है ना, पढ़ी लिखी तो मैं बहुत हूँ, मेरा मतलब मेरा मुताला भी बहुत है और तजर्बा भी, मगर हूँ अभी इंटर में। जब आप इतनी लायक हैं तो फिर? अबरिश को हैरत हुई। वो क्या है ना, ये सब मिस्टर चिप्स की मेहरबानियाँ हैं,
मिस्टर चिप्स ने कैथरीन के प्यार में 18 चैप्टर्स लिख डाले। हम देसी लोग हैं, हमसे तो उर्दू में मोहब्बत नहीं होती तो इंग्लिश में क्या होगी। नतीजा, मोहब्बतें अंग्रेज़ों की और सपलियाँ हमारी। रामीन की बात सुनकर अबरीश हंसने लगी। आप बहुत मज़े की बातें करती हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, काश मैं भी आप जैसी हो जाऊँ। हमैन ने कमरे में झांका तो नरमीन जाय नमाज पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी और हुनैन कहीं नज़र नहीं आ रहा था, शायद वो वॉशरूम में था। हमैन ने अपनी गोल मटोल आँखों से रूम का जायज़ा लिया और हुनैन को ना पाकर मायूसी से पलटने लगा। जब नरमीन ने उसे पुकारा, क्या बात है, इधर आओ। कुछ नहीं, वो मिस्टर हुनैन को देखने आया था पर वो नज़र नहीं आ रहे, कहाँ हैं। पहली बात यह है कि वो तुम्हारा बाप है, मिस्टर हुनैन नहीं। कितनी बार मना किया है मगर असर नहीं होता। और दूसरी बात, वो दबीर के पास गया है, अगर कोई ख़ास बात है तो मुझे बता दो, मैं उसे बता दूंगी। सॉरी, आइंदा पूरी कोशिश करूंगा कि उन्हें डैड कहूं। और जब वो तशरीफ़ लाएं तो उन्हें कहना सुबह मेरे घर से जाने से पहले कहीं ना जाएं, क्योंकि मैं उन्हें देखकर कोर्ट जाना चाहता हूं। जब भी उन्हें देखकर जाता हूं वो मेरे लिए बहुत लकी साबित होते हैं, मुश्किल से मुश्किल के चुटकियों में जीत जाता हूं। हैरत है, लोग उसे देखते ही रास्ता बदल लेते हैं कि सुबह सुबह सर खाएगा और तुम्हारे लिए लकी है। खैर, कह दूंगी। मॉम, अब आप ज्यादती कर रही हैं, वो आपके लिए भी लगी हैं, आपने क्यों उनको देखकर रास्ता तब्दील नहीं किया। हमैन जाने लगा मगर फिर कुछ सोचकर घुटनों के बल नरमीन के पास बैठ गया। वैसे तो मैं आपको अच्छा नहीं लगता और आपकी दुआएं भी सारी मूसा के लिए होती हैं, मगर फिर भी अगर हो सके तो सुबह मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा, बहुत मुश्किल केस है, मेरी इज्जत का सवाल है। हमैन ने खिलाफ मामूल काफ़ी संजीदगी से नरमीन की आंखों में देखते हुए कहा, माँ को अपनी सारी औलादी प्यारी होती है और वो उसके लिए हर वक्त दुआ करती रहती है, चाहे उसका बेटा चोर ही क्यों ना हो। तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो, बस तुम्हारी हरकत ही मुझे पसंद नहीं। जब तुम पैदा हुए थे तो मैं बहुत खुश थी, मेरा ख्याल था तुम मुझ पर जाओगे क्योंकि पहली औलाद बहुत प्यारी होती है, मगर तुमने शक्ल के साथ साथ अकल भी अपने बाप से ले ली। रहती कसर हुनैन ने तुम्हारी तरबियत खुद करके निकाल दी। खैर, मैं दुआ करूँगी। और याद रखो, ये जो माँ की मोहब्बत होती है ना, ये मोहब्बत की भी माँ होती है। अरे वाह, कमाल है, मिसेज हुनैन क्या बात कही है। हमैन ने ताली बजाकर नरमीन को दाद दी। फिर मिसेज हुनैन, कितनी बार मना किया है मगर तुम्हें असर नहीं होता। नरमीन ने खुबकी से कहा, अच्छा सॉरी मॉम, और बहुत शुक्रिया दुआ के लिए। और याद से मिस्टर हुनैन को कह दीजिएगा सुबह मेरा इंतज़ार करें, मुझसे मिले बगैर बाहर मत जाएं। तुम ठीक नहीं हो सकते, कह दूंगी। हमैन को जाता देख कर नरमीन ने नफ़ी में सर हिलाया और दोबारा तस्बीह पढ़ने लगी। सो मेरे अजीज लिसनर्स, दैट वॉज द एंड ऑफ थर्ड लास्ट एपिसोड ऑफ द नॉवल हिजकिया मोहब्बत की। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफिज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट्स हाउ यू कैन इनकरेज मी।